Hello students, welcome to SST class. Previously, there are two lectures that we have discussed earlier, and now this is part 3 of this chapter, chapter number 6, towns, traders and craftspersons. So this is part 3 of this chapter. Previously two lectures are complete and we have discussed about Hampi ke bare mein humne discuss kar liya tha, and the next town about which we will discuss, it will be Surat. So Surat ke bare mein ab hum discuss karenge. Surat was a huge market, huge trading center during the Mughal period, and it was along the Kembe, which we called Khambat, Khambat ki khadi jisko hum kehte hain, uske along ye hai Surat. This is the location of Surat, you can see here. Surat is located on the banks of river Tapi. Tapi river ke banks pe Surat located hai, okay, and it is in the state of Gujarat, Gujarat state mein hai, and along the way of Kembe, okay, and it was the main trading center. How it was main trading center? Because in this map you can see here, this is the location of Surat, and jo bhi trade hota tha west ke saath ya fir Europe ke saath, wo trade yahi se hoke jata tha, yahi se ships aati thi, aur it became a important trading center. We can say it became a Emporium. Emporium means a great market, a great stock for different traders. और जो भी different traders थे, उन्होंने यहाँ पे अपने सूरत में अपने different जो गोडाउन्स थे वो अपने बना लिए थे और अपने ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे स्थापित कर लिए थे. सो सूरत बिकम ए इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ दैट टाइम. मुगल पीरियड में इट बिकम important trading center. You can see the location here. This is river Tapi, okay, and this is Kembe. Western trade ka ye main center tha Mughal period mein, and it is called the gateway of trade. Gateway of trade tha West Asia ke saath, and वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के से होते हुए, उसके थ्रू होते हुए ये ट्रेड होता था. एंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द सूरत वाज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज द मक्का इज द पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ मुस्लिम्स. इस्लाम रिलीजन का एक पिलग्रिमेज प्लेस था मक्का, तो मक्का को जाने के लिए यही सूरत से होके जाते थे. सो इट बिकेम ए मेन ट्रेडिंग सेंटर एंड मेन सिटी एट दैट टाइम. और इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग देन द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर मेनली फेमस ड्यू टू द गोल्ड लेस बॉर्डर्स विच इज कॉल्ड जरी. यानी कि जो टेक्सटाइल्स जो होते थे जिन पे जरी का बॉर्डर होता था, दे आर मेनली फेमस एंड इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी. सो ट्रेड बहुत ही यहाँ पे प्रॉस्परस था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, और यहाँ से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, लाइक वी कैन से अफ्रीका, यूरोप एंड इन द वेस्ट एशिया, बिकॉज हियर इट इज़ एक्सेसिबल टू वेस्ट एशिया. तो वेस्ट एशिया में भी यहाँ से मार्केट होता था. और जो यहाँ के सेठ होते थे, विच वी कैन से काठियावाड़ सेठ जो होते थे, और जिनको महाजन भी कहा जाता था, तो वो क्या करते थे, वे दे इश्यूज हुंडीज. व्हाट इज हुंडी, आई विल एक्सप्लेन यू. तो वे हुंडी एक सिस्टम एक ऐसा था. पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी ट्रेडर्स जो थे ट्रेड करते थे, तो उनको हमेशा ये डर बना रहता था कि उनका कहीं सामान ना छीन लिया जाए, कहीं उनके गुड्स
ना छीन लिए जाए, कहीं उनका जो मनी है वो ना छीन लिया जाए, तो उस वजह से ये हुंडी वाली व्यवस्था ये लाई गई। तो हुंडी क्या होता था, एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट टाइप में होता था जिसपे कि एक तरीके से अमाउंट लिखा होता था, मनी का, मनी नहीं होती थी हुंडी, उसपे सिर्फ केवल अमाउंट लिखा होता था। और ये हुंडी जो यहाँ के महाजन सेठ होते थे ये उसको उस ट्रेडर को दे देते थे, और जब वो ट्रेडर दूसरी जगह जहाँ भी उसको पहुँचना होता था, माल पहुँचाना होता था, वहाँ पहुँच जाता था, ये हुंडी उस दूसरे पर्सन को देता था और वो पर्सन उसको इसके बदले में मनी दे देता था। इस तरीके से उनकी जो भी जर्नी होती थी वो सेफ हो जाती थी, जब उनके पास मनी नहीं होती थी। जब मनी नहीं हो गई तो फिर जो है उसको चोर या जो बैंडिट्स हैं, जो लुटेरे हैं, वो क्या लूटेंगे। सो वी कैन से हुंडी इज लाइक अ चेक, जिस तरीके से आज के ज़माने में चेक होती है, क्योंकि चेक सिंपली एक कागज होता है और उसमें सिर्फ केवल अकाउंट जो भी मनी होती है, मनी का डिटेल होती है, वो मनी नहीं होती है। तो उसको ले जाके जब हम बैंक में कैश कराते हैं तो हमें कैश मिल जाता है, उसी तरीके से ये हुंडी होती थी। तो इस तरीके से उनकी जो भी जर्नी थी, जो भी उनकी यात्रा थी, वो एक सेफ हो जाता था। सो हुंडीज वर स्टार्टेड बाई दीज गुजराती महाजन्स। ये जो महाजन होते थे मनी चेंजर होते थे, और डिफरेंट जो कंट्रीज की जो भी करेंसी होती थी, मुद्रा होती थी, उसको ये चेंज भी करते थे। देवर एक्ट लाइक ह्यूज बैंक्स, ये बैंक के तरीके से काम करते थे। ये हुंडी को भी इशू करते थे, और ये हुंडी दूसरे देशों में जाके, दूसरे मार्केट्स में जाके, लाइक कायरो विच इज़ इन इजिप्ट, बर्सा विच इज़ इन ईरान, एंड एंटवर्प विच इज़ इन बेल्जियम, यहाँ पे उनकी हुंडी इतनी इतनी दूर तक ये प्रचलन में थी, ये वहाँ पे चलती थी। सो यू कैन सी दीज मार्केट्स आर वेरी फेमस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये ट्रेड होता था। एंड सी द बैंकिंग सिस्टम, दीज महाजन्स एक्ट लाइक बैंक्स, ओके, एंड दे इश्यूज हुंडीज। सो हुंडी, वी कैन से इफ वी डिफाइन हुंडी, हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय पर्सन। उसमें सिर्फ एक डिटेल होती थी मनी के बारे में, और वो दूसरे पर्सन को जब दी जाती थी या दूसरे बैंकिंग पर्सन को दी जाती थी तो वो उसके बदले में उन्हें मनी देता था। तो दिस इज ऑल अबाउट हुंडी, ओके। एंड सूरत वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एज वेल एज इट इज़ अ गेटवे टू मक्का। मक्का जाने के लिए इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उनके जाने के लिए ये एक मेन गेटवे का काम करता था, और एक ट्रेडिंग सेंटर भी था, ओके। सो सूरत वाज एन इम्पॉर्टेंट टाउन। नाउ वील डिस्कस अबाउट अ न्यू टाउन विच इज कॉल्ड मसूलीपट्टनम। इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। सो दिस इज मसूलीपट्टनम, वी कैन से मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम एज अ नेम सजेस्ट, मछलीपट्टनम मीन्स द सिटी वेयर द प्रीवलेंस ऑफ मछली और फिश, यानी कि यहाँ से जो फिशेज जो होती थी, इट वॉज बेसिकली ए फिश पोर्ट टाउन। यहाँ पे जो फिश की कैशिंग काफ़ी होती थी, और यहाँ से ये ट्रेड भी की जाती थी। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। मसूलीपट्टनम इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर इन द बे ऑफ बंगाल। और इट वॉज द सेंटर ऑफ बोथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों में कंपटीशन होती रहती थी, दोनों में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। और इस वजह से इन ईस्ट इंडिया कंपनीज की वजह से इट मसूलीपट्टनम बिकम एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्रा कोस्ट, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट डच, द फर्स्ट फोर्ट वॉज बिल्ट बाई द डचेज इन द मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले जो फोर्ट बनवाया था वो डचों ने बनवाया था। हालांकि जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बाद में सभी को हरा के यहाँ से भगा देते हैं इंडिया से, और इंडिया पे अपना पूरा ऑक्यूपेशन स्थापित कर लेते हैं, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं।
लेकिन इस समय यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था इन यूरोपियन कंट्रीज के जो रूलर्स होते थे, जो जो ट्रेडर्स होते थे, उनमें एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था कि हाउ दे कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, वो अधिक से अधिक प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकें। ओके, एंड मसूलीपट्टनम जो था ये मेनली गोलकुंडा रीजन में पड़ता था, और गोलकुंडा रीजन पे कुतुबशाही रूलर्स का ऑक्यूपेशन था, कुतुबशाही रूलर्स यहाँ पे राज करते थे। लेकिन क्या होता है, 1686 में औरंगजेब इस गोलकुंडा पे अटैक करता है और गोलकुंडा को अपने एम्पायर में मिला लेता है। और जब ये इसको मसूलीपट्टनम को अपने एम्पायर में मिला लेता है, तो यहाँ से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनीज होती हैं इनको यहाँ से जाना पड़ता है, और जिस वजह से यहाँ का ट्रेड बहुत ही कम हो जाता है, और ये सिटी जो कि उस समय बहुत ही अच्छी प्रॉस्पर कर रही थी, बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही थी, इन ट्रेडिंग कंपनीज के यहाँ से चले जाने से फिर इसकी जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती है, ट्रेड बहुत कम हो जाता है, लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। सो इट बिकम ए जस्ट स्विंग्स टू अ स्मॉल एरिया, एक छोटा सा ये टाउन रह जाता है। इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट हाउ स्मॉल टाउन्स, स्मॉल विलेजेस, हाउ फॉर्म टाउन्स एंड दीज टाउन्स फॉर्म्स बिगर टाउन्स एंड दीज फॉर्म्स मोर बिगर टाउन्स एंड समटाइम्स दीज बिगर टाउन्स ये जो है डिमनेस कर जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, या फिर जो है इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। सो हाउ वी सी डिफरेंट टाउन्स गेट एनलार्ज एंड हाउ एनलार्ज टाउन्स गॉट टू देयर वर्स स्टेज, बिकॉज से किसी समय उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती थी और बाद में जाके कंडीशन खराब हो जाती है, और किसी किसी टाउन की जो कि बहुत ही छोटे होते थे एंड दे बिकम द सेंटर ऑफ इकॉनमी, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनकी इकॉनमी काफ़ी ग्रो कर जाती है। तो कुछ सेंटर, कुछ टाउन्स बड़े हो जाते हैं, कुछ टाउन्स छोटे हो जाते हैं, जिस पे रूलर्स का या फिर जो भी ट्रेडिंग पर्सन्स हैं उनका कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वो टाउन ग्रो कर जाता है, और जिस पे कंपटीशन कम हो जाता है लाइक मसूलीपट्टनम, तो वो साइज में छोटा हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से टाउन्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। बट बिफोर दैट, जब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जब सभी जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स थे इनको हरा दिया, तो इसने मेनली इंडिया की जो थ्री सिटीज़ थी उस पर इसने काफ़ी फोकस किया। फर्स्ट इज कोलकाता, विच एट दैट टाइम वॉज कॉल्ड कैलकटा, उस समय कैलकटा कहते थे। दूसरा था बॉम्बे, जो कि इस समय इसको मुंबई कहते हैं, एंड थर्ड वाज मैड्रास। ओके, मैड्रास को इस समय चेन्नई कहते हैं। सो दीज थ्री बिकेम द सेंटर्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे ये अपनी प्रेजिडेंसी स्थापित करती है, यहाँ से इसको पूरे इंडिया को रूल करती है। ओके, सो दीज बिकेम द प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। नाउ वील मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ न्यू टाउन्स, किस तरीके से न्यू टाउन्स हैं, दीज आर लाइक सेट। ओके, ये बेचारे कॉमन पीपल हैं, क्या कंडीशन है इसकी, यू कैन सी कॉमन पीपल की कंडीशन हमेशा खराब ही रही है। ओके, इंग्लिश जो पर्सन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, जो इंडिया की स्पाइसेस थी, जो इंडिया के मसाले थे उनको
मेनली उनमें इंटरेस्ट था इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, दीज वर वेरी फेमस इन द यूरोप. सो इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए इन्होंने जो है सी रूट की खोज की थी और ये इंडिया आए थे. फिर उसके बाद ये इंडियन की जो भी पॉलिटिक्स थी ये उसमें इन्वॉल्व होने लगे और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी इंडिया पे अपना ऑक्यूपेशन कर लिया था. लेकिन जिस समय ये इंडिया पे ट्रेड करने के लिए आए थे उस समय इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स थे, काफ़ी बड़े ट्रेडर्स थे, लाइक वी कैन से मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा. Who these two names are? These two people were very big traders. बहुत ही बड़े ये व्यापारी थे. लेकिन अंग्रेजों के पास जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी नेवल फोर्स थी, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एडवांस थी. उस वजह से उन्होंने अपने सारे कंपटीटर्स को हरा दिया, सब उनसे पीछे रह गए और वो उन्होंने पूरी इंडिया पे ऑक्यूपेशन कर लिया. ओके, दे हैव वेरी गुड नेवल पावर और वो काफ़ी अच्छी जो है सी रूट्स की भी जानकारी थी. सो इंग्लिश इमर्ज एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट. तो पूरा ऑक्यूपेशन इन्होंने कर लिया और ऑक्यूपेशन करके अपना पूरा राज स्थापित कर लिया. इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे ये. फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जब लंदन में, जब इंग्लैंड में जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तब ये वहाँ पे बने टेक्सटाइल को, वहाँ पे बने प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आते हैं और इंडिया में उसको बेचते हैं. क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट महंगा था और फैक्ट्रियों में बना हुआ प्रोडक्ट ये काफ़ी सस्ता था, तो जो इंडियन आर्टिसंस हैं इनकी जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब हो जाती है. और जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल थे, ये इससे पूरे इंडियन मार्केट को ये लोग भर देते हैं. एंड इन द 18th सेंचुरी देयर वाज राइज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो दीज बिकेम द नोडल सिटीज. और जो बॉम्बे था विच वी कॉल्ड मुंबई टुडे, बॉम्बे को हम मुंबई कहते हैं, अब इसका नाम मुंबई हो गया है. तो ये जो बॉम्बे था, दिस बॉम्बे वाज गिवन बाय पोर्चुगीज, जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी उनकी मैरिज होती है इंग्लिश प्रिंस से. तो दहेज में ये बॉम्बे अंग्रेजों को प्राप्त होता है और इस पे इनका ऑक्यूपेशन हो जाता है. फिर धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया पे अपना ऑक्यूपेशन कर लेते हैं. बॉम्बे वाज गिवन इन द दहेज टू इंग्लिश, जो इंग्लिश पर्सन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में मिला पुर्तगालियों से. ओके, 1661 में द पोर्चुगीज प्रिंसेस वाज कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी होती है चार्ल्स के साथ और ये बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज में मिलता है. सो दिस इज हाउ बॉम्बे इज गिवन टू ब्रिटिशर्स. और ये जो बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास होते हैं, इनमें डिफरेंट प्रेसिडेंसी ये स्थापित करते हैं. Because these were the main centers of English East India Company. और इसमें there are mainly two types of traders, blacks and white. Black ये कहा जाता है जो कि यहाँ के native traders थे और यहाँ के craft persons थे, और white जो थे वो कहा जाता है अंग्रेजों को. और इन्होंने यहाँ पे different forts बनवाए. This is the administrative hall of Fort Saint in Fort Saint William है ये, जो कि located है कैलकाटा में. See how grand is this. This is Fort Saint William. It is located in Calcutta. इस तरीके से these were administrative centers. Okay, now we will discuss about Vasco da Gama and Christopher Columbus. So Vasco da Gama discovered the sea route to India
एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, आपको पूरा मैप में दिखा दिया है. एंड क्रिस्टोफर कोलम्बस 1492 में पोर्चुगल से निकले थे, 1492 में, इंडिया की खोज करने के लिए, टू डिस्कवर इंडिया. बट कोलम्बस डिस्कवर अमेरिका, ये अमेरिका की खोज कर देते हैं, इंडिया को खोजने निकलते हैं और अमेरिका की खोज कर देते हैं क्रिस्टोफर कोलम्बस. एंड 1497 में इसके बाद वास्को डी गामा निकलते हैं 1497 में पोर्चुगल से, और ये 1498 में आते हैं इंडिया में, एक साल बाद, इनको एक साल लग जाता है रास्ते में. 1498 में आते हैं इंडिया में और इंडिया के लिए सी रूट की खोज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. तो काफी अच्छा चैप्टर था ये. ओके.